हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके चांसेस ज़्यादातर हैं कि वो बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर हैविंग करंट आई। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो कराते हैं हम लोग आई, और इस वायर से जब करंट फ्लो करेगा आई, तो इससे ए डिस्टेंस पे, लेट अस सपोज ये पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो ए डिस्टेंस से अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो लेट अस एज्यूम अ करंट एलिमेंट डी एल थ्रू विच DL मेकिंग एंगल थीटा, और इसका लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट अस सपोज L, और इट इज़ मेकिंग एंगल phi। इस पॉइंट को P डोनेट कर लेते हैं। तो इस करंट एलिमेंट से जो करंट पास करेगा, तो इस पॉइंट पे इसको L, इसको A, और ये इस पॉइंट को M मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं N। तो एन पी इज इक्वल टू R। तो अब हम लोग देखते हैं क्या इस DL एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एज DL एलिमेंट की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, दैट इज इक्वल टू DB अकॉर्डिंग टू बायोट सार्वर्ट्स लॉ, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा फोर पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर वन, ये है बायोट सार्वर्ट्स लॉ। तो अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करें, तो इस वाई वाई डैश वायर को अगर हम लोग एक्सटेंड करें यहाँ से, तो ये इस पॉइंट तक, और इसको एक्सटेंड करते हैं इस पॉइंट तक, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास फाई टू, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं फाई वन, इस एंगल को फाई वन। तो इन ट्राइंगल एम पी एन, एम पी एन ट्राइंगल में देख लेते हैं, इस ट्राइंगल में एम पी एन ट्राइंगल में थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, इट्स इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव। अगेन अगर हम लोग देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन ए, इट्स इम्प्लाई डी टेन फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एल बाई ए, इट्स इम्प्लाई टेन डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव, सेक स्क्वायर फाइव। वंस अगेन सेक फाइव, सेक फाइव, इस ट्राइंगल में सेक फाइव ले लेंगे हम लोग, तो सेक फाइव मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो sec phi इज इक्वल टू आर बाई ए,
इट्स इम्प्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब इस इक्वेशंस को अगर हम लोग ध्यान में देखें, इक्वेशन इसको, फिर डीएल को, इस डीएल को, और ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, इन तीनों इक्वेशन को, इसको इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फोर्थ। इक्वेशन वन टू थ्री को इक्वेशन वन में रखते हैं। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, डी एल की जगह हम लोग लिखते हैं ए सेक स्क्वायर फाई, साइन फाई साइन थीटा की जगह लिख दे कॉस फाई, कॉस फाई, आर स्क्वायर की जगह लिख दें ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, एक ए से एक ए कट गया, ए बच गया, तो हमारे पास क्या बच गया फाइनल एक्सप्रेशन डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई बाय फोर पाई, यहाँ रह गया ए। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो अभी इसको इरेज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको इरेज करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ए आई, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस फाई वन से लेकर प्लस प्लस फाई टू तक, माइनस फाई वन से लेकर प्लस फाई टू तक। तो इट्स इम्प्लाई म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए कॉस का इंटीग्रेशन साइन फाई, का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो माइनस फाइव वन से लेकर प्लस फाइव टू तक, तो इट्स इम्प्लाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस फाइव वन। फाइनल एक्सप्रेशन बिकम्स B is equal to mu naught I upon 4 pi A sin phi 1 plus sin phi 2। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो फॉर इनफाइनाइट स्पेशल केस फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करें लॉन्ग वायर फाइव वन इजकल टू फाइव टू इजकल टू 90 डिग्री
देयरफॉर बी इज इक्वल टू, यहाँ 90 पुट करेंगे तो साइन 91 साइन 91 2 हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 साइन 91 साइन 91 तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये कटेगा तो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. अभी एक और स्पेशल केस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एट एंड पॉइंट. एट एनी एंड पॉइंट, एट एनी एंड पॉइंट फाई वन इज इक्वल टू 90 और फाई टू इज इक्वल टू 0. देयरफॉर बी एंड इज इक्वल टू, बी एंड इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं u नॉट i अपॉन 4 पाई a साइन 90 प्लस साइन 0. तो ये बन जाएगा b एंड एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a. इन दोनों को अगर ध्यान से देखें, एंड पॉइंट और लॉन्ग वायर की बात करें, देखें ध्यान से ज़रा, तो इसमें और इसको, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो बी लॉन्ग इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी मिड एंड पॉइंट. इस चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज द मेन एक्सप्रेशन. ये है हमारे पास मेन एक्सप्रेशन. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर हमारे पास इस एक्सप्रेशन से आएगा. और स्पेशल केस में अगर हम लोग जाएँ तो फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए फाई वन फाई टू इट बिकम्स 90 और 90 है तो साइन 91 तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 से कटा तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. और अगर एंड पॉइंट की बात करें, एनी एंड पॉइंट की बात करें, तो किसी भी एंड पॉइंट पर एक 90 डिग्री होगा एक 0 डिग्री होगा, तो साइन 91 साइन 0 0 तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए. तो एंड पॉइंट को और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को कंपेयर करें तो बी लॉन्ग इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एंड पॉइंट. इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए.